वेलकम टू कैंथली वैली ब्लॉग। तो ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा कम लोगों ने एक्सप्लोर करी है, तो इस लोकेशन को हम एक्सप्लोर करने निकल चुके हैं। तो एक कैंथली वैली ट्रिप हमारे लिए किसी लद्दाख ट्रिप से कम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि तो इस ट्रिप में हमें रिवर क्रॉसिंग देखने को मिल गई एंड प्लेन्स रोड जो कि बिल्कुल खाली थे लद्दाख की तरह बिल्कुल। हमें एक बहुत ही सुंदर सा ऑफ रोड देखने को मिलता है। भाई ये जितना सुंदर है इतना ही डेंजरस था एंड इसके साथ एक बहुत सुंदर सा घर बना था। एंड फिलहाल ये ऑफ रोड भाई आगे तक काफ़ी ये पतला ऑफ रोड होता गया। नेक्स्ट एंड एक ऐसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जो कि लोकेशन हमारा दिल ही जीत लेती है। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप यू आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज जो हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो कैंथली वैली है, और कैंथली वैली काफ़ी ज़्यादा कम लोगों ने एक्सप्लोर करी हुई है, और आज हम जा रहे हैं। और इस ट्रिप में भाई काफ़ी सुंदर सुंदर लोकेशन है, ऐसी ऐसी लोकेशन है जो भाई बताने लायक है। एक तो भाई वाटरफॉल आ जाता है, एक रिवर है जो भाई काफ़ी ज़्यादा सही है देखने में। एंड मेन सबसे भाई सबसे सुंदर लोकेशन जा जाती है वो है कैंथली वैली खुद। वहाँ पे जो भाई नेक्स्ट लेवल है व्यू है वो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता, वो आपको मेरे साथ चल चल के देखना पड़ेगा वीडियो में। तो ये ट्रिप चुआड़ी से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर की है एंड लगभग इसमें सब कुछ कवर होने वाला है। ऑफ को यहाँ पे जाना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आपको थोड़ा ऐसे बता देते हैं, ये चुआड़ी से ऊपर वाले रोड को आती है, और आप किसी से भी पूछ लेना कैंथली कहाँ है, वो सभी लोग आपको बता देंगे इस रोड पर जाओ। तो रेडी हो आप सब हमारे साथ जाने के लिए कैंथली वैली? चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू कैंथली वैली ट्रिप। तो कैंथली वैली में पहले तो हमें सीधे ऑफ रोड दिखता है, और उसके बाद भाई लोकेशन एक नंबर, अभी तो कुछ नहीं है भाई। उसके बाद जो लोकेशन है आने वाली है भाई, एक जो कैंथली वैली ट्रिप में जो सबसे पहली लोकेशन है वो हमारी वाटरफॉल आ जाती है। जो हमने 3-4 लोकेशन की बात करी थी वो पहली है वाटरफॉल। भाई ये वाटरफॉल भाई काफ़ी ज़्यादा सही था। पानी होता था लेकिन अभी जो है भाई काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, थोड़ी दिनों में ये भाई फिर से लहरा जाएगा। शिकार यहाँ पे आके शिकार भी कर सकते हैं। रजत भाई को देखते मैं भी इस वाटरफॉल के ऊपर चढ़ने लगता हूँ, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती भी हो सकती थी, क्योंकि थोड़ा सा पैर भी स्लिप होता तो हम दोनों नीचे आ जाते। यहाँ पे एंजॉय भी काफ़ी ज़्यादा था लेकिन रिस्क भी उतना ही था। अब आ चुकी थी उतरने की बारी, और भाई ये काम सबसे रिस्की हो सकता था, मतलब जहाँ पे पांव रख रहे थे वहाँ पे स्लिप हो रहा था। हमारे रजत भैया ने तो ये टास्क कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अब बारी मेरी थी और मेरे एक हाथ में फ़ोन था। ये थोड़े से कांच के टुकड़े मिलने के बाद हमने थोड़ा और ढूंढे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे छोटे छोटे कांच के टुकड़े निकल रहे थे। ये तो हमारे पाँव में ना लगा और थोड़े हमने उठा दिए। तो आइंदा से भाई जब भी आप आओ तो ऐसी हरकतें ना करें। कवर हो चुकी है अच्छे से एंड अभी चलेंगे हम सेकंड लोकेशन पर। तो भाई अभी काफ़ी ज़्यादा लोकेशन है और ऑफ रोड में तकड़ा है, मतलब ये मान लो कि इस लोकेशन में आपको सब कुछ मिलने वाला है, ऑफ रोड से लेकर साफ रोड तक, मतलब पतला रास्ते से लेकर बड़े रास्ते तक। इस लोकेशन को टाटा बाय बाय करके निकलते हैं हम सेकंड लोकेशन के लिए। तो इसी के साथ हम पहुँच जाते हैं सेकेंड लोकेशन पर। भाई सेकेंड लोकेशन तो भाई क्या ही बात थी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। लेकिन रुको रुको अभी आपको बताना भी तो है यहाँ पे पहुँचना कैसे है। चलो बैक चलो बैक चलो।
रास्ता कवर कर लिया है। और यहाँ पे भाई पूरा स्प्लेन रोड है। भाई साहब, इसलिए कहते हैं ब्रेकिंग वेरी जरूरी। तन पत्थरों पे भाई, और देखो मोड़ कितने छोटे छोटे हैं। एक नई लोकेशन में जाने की शुरुआत हो चुकी है। Our generation through private investment. क्रॉस करी थी वो नहीं है, ये इससे अलग है। एक बार हम यहाँ पे आए थे। वाह साहब, क्या चीज है, नेक्स्ट लेवल। अभी रजत भैया को पानी में डुबो डुबो के भिगाते हैं। पहुंच चुके हैं सेकंड लोकेशन पर भाई। यहां जो ठंड है तगड़े तरीके भाई, और लोकेशन एक नंबर। अभी तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा हम ऊपर चलेंगे, वहां पे भाई सिनेमैटिक तो भाई खतरनाक वाले आने वाले हैं। बाकी लोगों के साथ बने रहना। फाइनली हम सेकंड लोकेशन पर पहुंच चुके थे, और अभी हम थोड़े से आगे जा रहे थे भाई, आगे नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे देखना चाहते थे क्या सीन पानी है। बहुत ही प्यारी चक्की दिखती है हमें, तो हम थोड़े से उसकी तरफ जाते हैं। वैसे यहाँ पे जो ठंड थी भाई, नेक्स्ट लेवल थी। बेशक यहाँ पे धूप लगी हुई थी, लेकिन जो ठंड थी भाई, अभी ठंड का भाई दूसरा इलाज तो कर नहीं सकते थे, तो भाई हमने सीधे इंजॉय करने ही अच्छा समझा। और भाई आगे देखते देखते चलो, भाई काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया हमने यहाँ। तो ऊपर चढ़ते चढ़ते भाई साहब हम इतने ऊपर आ गए कि अब हमें रास्ता ढूंढना मुश्किल हो गया था। तो वापस हम फिर पत्थर से नाले के साथ सारे वापस आते हैं। तो भाई लेकिन जो व्यू था, और ये ठंड भाई अल्टीमेट ही लेवल की थी, मतलब नेक्स्ट लेवल ही एक्सपीरियंस था। तो अभी तक हमने और भी लोकेशन एक्सप्लोर करनी थी, लेकिन यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो फाइनली हमने ये डिसाइड करते हैं कि भाई अब हम नेक्स्ट लोकेशन की ओर जाएंगे। तो अभी सीधे हम निकलेंगे भाई तीसरे लोकेशन पर। तो 1 2 3 गो। हम ही आ रहे हैं। ये जो हमारी तीसरी लोकेशन थी, ये थी कैंथली वैली। और भाई वहाँ जाने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, और जैसे जैसे भाई हम ऊपर आ रहे थे, वैसे वैसे लोकेशन मतलब अल्टीमेट होती जा रही थी, मतलब खूबसूरत नज़ारा बढ़ता ही जा रहा था। और हमारा कैमरा बंद करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, एंड बीच बीच में हमने सिनेमैटिक्स शॉट लिए।
जैसे जैसे भाई हम ऊपर जाते जा रहे थे भाई, पहाड़ अति सुंदर होते जा रहे थे। ये पहाड़ हमें बार बार रोकने की कोशिश कर रहे थे कि भाई रुक जाओ, आराम से देख लो भाई व्यू, ये नज़ारे फिर से नहीं मिलने वाले हैं। और वैसे ही हुआ दो मिनट के बाद कि और चलते चलते इन खूबसूरत पहाड़ों ने हमें फिर से रोक लिया और काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा था ये। थोड़ी देर हम इसे देखते हैं, आराम से बैठते हैं यहाँ पे, थोड़ी बहुत बातें करते हैं और उसके बाद अभी अपनी अगली जर्नी जो है अभी स्टार्ट करेंगे। अभी लगभग कैंथली हमें 7-8 किलोमीटर और बाकी था और ये नज़र। सो अभी कैंथली वैली के ख़राब रास्ते में पहुँचते हुए, वैसे तो अभी ये रास्ता कुछ भी नहीं है अभी तक, अभी तक जो रास्ते आने वाले हैं भाई वो देखना आप, ये चेक करो अल्टीमेट। होप कि आपको वीडियो में मज़ा आ रहा होगा, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है। एंड आगे भी बोलूँगा मैं यही बात कुछ ऐसी लोकेशन पर, भाई आप चेक करो, ये अभी तो कुछ नहीं है भाई, आगे जो दिखने वाला है आपको बाकी ये चेक करो हमारे भाई। और इस वीडियो का सारा क्रेडिट शूट का सारा मतलब जो भी है वो हमारे रजत भाई को जाता है एंड दूसरे भाई को भी जाता है जिन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी शूट निपटाने में, शूट करने में। 50% क्रेडिट हमारे रजत भाई के लिए और बाकी 55 मेरे लिए और 55 ही दूसरे भाई के लिए। जब जब यहाँ पे बर्फ़ गिरती है भाई तब नेक्स्ट लेवल हो जाता है ये। एंड रोड की हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मतलब बाइक का एक एक पुर्जा हिल चुका है। और भाई ये जो ट्रिप थी ये भाई किसी फिल्मी नज़ारे से कम नहीं थी ये, मतलब मेरे को बिल्कुल यहाँ पे फिल्म वाली फील आ रही थी कि भाई किसी की शूटिंग हो रही है भाई। अब वैसे ही नज़ारे थे और घर भी वैसे ही थे और रोड भी घर के बीचों बीच ऐसा था कि भाई तो लग रहा था जैसे पता नहीं कहाँ ही आ गए हम घूमने। और भाई ये जो प्यारी प्यारी लोकेशन थी ना भाई, दिल जीत लिया था इस लोकेशन ने मेरा। एंड लोग यहाँ पर धूप सेकने बैठे हुए हैं, यहाँ पर काफ़ी टाइम के बाद धूप लगती है, एक रेम टाइम हो चुका है अभी, ऐसा लग रहा है भाई सुबह गए 9-10 बजे हैं और यहाँ पे जो भाई रेत ही रहता है। और भाई को लगा कि यहाँ पे रास्ता ख़त्म हो गया, पर यहाँ पे रास्ता ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे बाइक की आवाज़ गूंज रही है बहुत गंदे तरीके से। अभी कीचड़ से लथपथ आएगा रोड। वैसे मेरे हिसाब से इस टाइम कोई जाता नहीं है यहाँ पर, हम ही आ रहे हैं। ओ भाई साहब क्या तकड़ा सीन है। और अभी जो भाई टफ रोड बनने वाला है ना, ओ मेरे हिसाब से पीछे बाइक लग गई है नीचे। तो अभी पहले तो रजत भाई को अपने साथ बिठाते हैं, चलो। और रोड देख सकते हो अभी तक तो कुछ नहीं है ये। यहाँ पे पत्थर ही बहुत बड़े बड़े हैं। जो कि हमें डिसबैलेंस करवा सकते हैं बड़े आराम से। और यहाँ पे हमारी बाइक भी गिर सकती है। और भाई तुम्हारे ने भी कंचे नहीं खेले। ओ भाई साहब आज जो सीन रहने वाला है ना तकड़ा ही भाई। इन
रोडों पे जो भाई हालत हुई थी ना भाई, बहुत ही खतरनाक। बाइक बिल्कुल गर्म हो चुकी थी, बुरा हाल हो चुका था भाई, हाथों में दर्द, पीठ में दर्द काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, और रोड पे पत्थर ही पत्थर थे। रोड बीच में बहुत ही ज़्यादा गीला था, जिसके कारण टायर भाई बहुत ही ज़्यादा स्लिप मार रहे थे, और ऊपर से रजत भाई को हमने बिठाया था पीछे अपने, तो वेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, तो भाई बाइक डिसबैलेंस होने के काफ़ी ज़्यादा चांस थे। तो भाई लोकेशन देखने के लिए भाई हमने ये रिस्क उठा ही लिया, क्योंकि भाई आगे जो लोकेशन मिलने वाली है ना, एक नंबर, मतलब क्या ही बोले दोस्तों वाला बात हो जाती है। ये चीज़ एक्सप्लोर करो, अभी तो कुछ नहीं, ये बिल्कुल रास्ता बिल्कुल पतला हो जाएगा, अभी तो ये समझ लो कि अभी तो सोने पे सुहागा है ये। और आगे जो रास्ता मिलने वाला था भाई, हम सोच भी नहीं सकते, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते इतना ख़राब होने वाला था। मैंने खुद नहीं सोचा था कि ऐसा सीन भी हो सकता है भाई। वैसे तो मैं पहले जा चुका हूँ, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था, मिट्टी मिट्टी हो गई थी एंड टायर बिल्कुल घूम ही जा रहा था। यहाँ पे तो भाई बाइक की हालत बिल्कुल ख़राब होने वाली है। बस टायर स्लिप ना हो। बाकी ये चेक करो भाई, अभी भी कुछ नहीं है भाई, अभी मैं बोलता हूँ रास्ता है तभी तक बहुत खुला है ये, अगर नीचे गिर गए ना फिर ना दिखने वाले भाई हम। ओ भाई कहाँ पहुँच गए, नीचे सीधे खाई है। तो आपको लग रहा होगा फाइनली हम लोकेशन पे पहुंच गए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोकेशन नंबर 3 इसे हम नाम देंगे। अभी तक हम प्रॉपर लोकेशन पर नहीं पहुंचे हैं, बट यहाँ पे हमें अच्छी लोकेशन दिखी तो हम रुक गए, थोड़ा सा बहुत यहाँ पे हमने मस्ती की। भाई वैसे ये लोकेशन भाई किसी जन्नत से कम नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हम अच्छे से दिखा नहीं पाए। वैसे आगे जाके काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा। थोड़ी देर यहाँ पे बैठ कर और चलते हैं अपनी मेन लोकेशन पर जहाँ पे हमें जाना था। और फाइनली भाई हमने बाइक्स वगैरह पीछे खड़ी कर दी, क्योंकि यहाँ पे आपको रास्ता बताएंगे ना, वैसे तो बाइक जा सकती है लेकिन सिंगल ही जा सकता है, और हम 3 बंदे हैं। और रोड ये चेक करो, इतने में हम खुद ना चल पा रहे भाई, बाइक कैसे लेके जाएंगे। वैसे तो यहाँ पर बाइक्स भी आ सकती हैं, लेकिन हम बाइक्स नहीं लेके आए, एंड ये हमारा सबसे अच्छा डिसीजन था कि हम बाइक नहीं लेके आए। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे थे जो कि हमने अपनी आंखों से देखे, अगर बाइक लेके आते तो ये सब हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते। एक ख़तरनाक सी लोकेशन किफर, वैसे तो हमें बाइक ले आनी चाहिए थी, इतना टफ भी रोड नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन जब पिछली बार आए थे तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रोड था, इस बार काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर दिया गया है। क्या सही सही लोकेशन पर जा रहे हैं हम, जैसे कि हमारे रजत भैया जा रहे हैं तुम्हें पता नहीं क्या दिखाने। नहीं, हम यहाँ पे जा रहे हैं अगर नालियों में, ये चेक करो आप,
यहाँ पे भाई एक तरफ धूप एक तरफ छांव। कैदरी वैली में जो भाई नज़ारे हैं वो आपको भाई ऐसे मैं नहीं बता सकता, आपको सिर्फ दिखा सकते हैं, बोल के बयान नहीं हो सकते हैं। एंड बट वही बात ये वहाँ पर हम बाइक ला सकते थे लेकिन हम नहीं लाए, और सबसे हमें दुख था थोड़ी देर के लिए कि हम बाइक नहीं लेके आए। उसके बाद जो भाई खुशी हुई क्योंकि ये जो नज़ारे जो हमने देखे हैं ना भाई वो क्या ही बात है। बाकी ये हो सकता है कि हम आपको कैमरे के थ्रू अगर दिख जाते हैं तो ऐसा नज़ारा दिख जाते हैं तो आपको दिखा देंगे। बाकी आप जरूर 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 आना भाई, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर बैठ के ये बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं बोलता हूँ अभी बहुत सारी लोकेशनें कैप्चर करूँ क्योंकि भाई मैं ऐसे दिखाऊंगा तो लगभग एक घंटा हो जाएगा भाई इस वीडियो में बनाते बनाते, इतनी प्यारी प्यारी लोकेशन है। बाकी आपका मूड वगैरह ऑफ है तो भाई यहाँ पे आओ भाई, क्या जन्नत वाली फील आती है। लोकेशन है भाई आपको सिर्फ कैंथरी वैली में देखेंगे, अभी तो भाई कुछ भी नहीं है, अभी हम थोड़े से और आगे जा रहे हैं एक्सप्लेन करते हुए आपको, और जब जहाँ पे हम पहुँचेंगे वहाँ पे तो भाई जन्नत दिखाएंगे फिर आपको। चलो तो फाइनली उस लोकेशन पर हम पहुँच चुके हैं, वो रहा सामने, और यहाँ पे तो अभी मुझे पता भाई नहीं तुम्हारा एक रास्ते से जाएगा, तो गुम हो जाओगे तुम नहीं होंगे। सो फाइनली लोकेशन पर पहुंच चुके हैं हम। सो फाइनली भाई लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और ये फिलहाल के लिए अगर बारिश वगैरह या पड़ती है तो आप यहाँ पे रुक सकते हो, वैसे फ़ायदा तो नहीं है ऊपर से बारिश गिरी आएगी, बाकी तो ये रेस्ट करने के लिए। और लोकेशन तो आपने देख ही ली होगी, और बाकी तो क्या काफ़ी ज़्यादा भी शूट हो चुका है और गोप्रो की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बैटरी ख़त्म होने से पहले मैं इसको एंड कर दूँ। तो बस यही है, बाकी अगर बर्फ़ पड़ेगी तो नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे, बाकी नहीं तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय खत्म। और